हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ दो बेबी प्रोडक्ट का कंपैरिजन लेके। हाँ, ये दो प्रोडक्ट का सिंगल रिव्यू मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, रिव्यू प्लस डेमो, लेकिन आज मैं ये दोनों का कंपैरिजन करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। फर्स्ट मैं बता दूँ, फर्स्ट प्रोडक्ट है बेबी डव न्यू बेबी डव हेयर टू टो बेबी वॉश, और सेकेंड प्रोडक्ट है हिमालया जेंटल बेबी बाथ। देख लीजिए, ये दो ही बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है बेबीज़ के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, और मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया कि ये दो एडल्ट्स के लिए भी कितना अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ आई बटन में दे दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अभी कंपैरिजन में चली जाती हूँ। फर्स्ट मैं बता दूं, दो प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा है, मैं दो प्रोडक्ट से खुश हूँ। लेकिन डिफरेंस क्या है? ये भी एलर्जी टेस्टेड है, ये भी एलर्जी टेस्टेड है, साथ ही साथ क्लिनिकली टेस्टेड है। डब भी और हिमालय भी क्लिनिकली टेस्टेड है। साथ ये दो प्रोडक्ट ही है एकदम माइल्ड, और साथ ही साथ नो मोर टीयर्स। हाँ, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो डिफरेंस क्या है? सारे के सारे अच्छा है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक जो है वो है कॉस्ट, क्योंकि ये है 200 ml का डव बेबी डव हेयर टू टो बेबी वॉश। 200 ml का प्राइस है ₹199, और हिमालय जेंटल बेबी बाथ 400 ml का प्राइस है ₹245। तो चला गया ये कॉस्ट वेरिएशन, ये तो है ही। डव थोड़ा बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ये थोड़ा बहुत लेस प्राइस में मिल रहे हैं। उसके बाद ये है क्रीमी फॉर्मुलेशन और ये जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन। अगर आपके बच्चे का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपके लिए बेबी डब बेस्ट रहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से माइल्डली सॉफ्टली स्किन को क्लीन करते हैं, और साथ ही साथ अगर स्किन रेडिश हो जाते हैं कुछ भी यूज़ करने से तो भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। ये है रिच मॉइस्चराइजर, हेल्प्स रिटेन स्किन्स नेचुरल मॉइस्चर। इस विंटर सीजन में मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट रहेगी न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगी? ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके बेबी का स्किन ड्राई है तो इसको ही प्रेफरेंस दे दीजिए। अगर स्किन ठीक ठाक है, नॉर्मल है, ड्राई नहीं है, ड्राइनेस डेड सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग इसको चूज कर सकते हो। और ये जेल बेस में आते हैं तो ये एक फ्रेशनेस फीलिंग्स दिलाएगी। जैसे समर सीजन में मैं कभी भी सजेस्ट इसको नहीं करूंगी, क्योंकि समर सीजन में ये यूज़ करने से बहुत ज़्यादा चिपचिपासा लग सकते हैं, मगर ये यूज़ करने से चिपचिपासा लगने का डर नहीं है। और अभी आ जाती हूँ, बच्चों से रिलेटेड बातें कर रही हूँ तो सारे के सारे बातें क्लियर करना चाहिए। जैसे ये डब बेबी वॉश यूज़ करने से पानी थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्रीमी टेक्स्चर वाला फॉर्मुलेशन है, लेकिन हिमालय यूज़ करने से पानी थोड़ा कम लगते हैं, क्योंकि अभी चल रहे हैं विंटर सीजन, और विंटर सीजन में बच्चों के लिए पानी बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इस टाइम में कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए? अगर ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई डेड सेल्स है, तो इसके पीछे मत जाइए, डब बेबी डब हेयर टू टो बेबी वॉश को चूज़ कीजिए। और अगर एक्सट्रीम ड्राइनेस नहीं है, डेड सेल्स नहीं है, तो आप लोग हिमालय जेंटल बेबी बाथ को यूज़ कीजिए। और ये जैसे है चिकपी एंड ग्रीन ग्राम के साथ, तो ये चिकपी ग्रीन ग्राम इसका फॉर्मुलेशन है, और बेबी डव है मिल्की फॉर्मुलेशन। मिल्क मेरे हिसाब से चिकपी एंड ग्रीन ग्राम ऑल्सो वेरी गुड, बट अ वेरी गुड पार्टिकल्स इज मिल्क। मिल्क फॉर्मुलेशन का कोई भी चीज़ बहुत अच्छा होता है। जैसे इसको एज ए एडल्ट मैं बोलती हूँ कि ये दोनों में से अगर फेस वॉश के हिसाब से, अगर जेल बेस्ड फेस वॉश पसंद है तो इसको पसंद कर लीजिए, अगर क्रीम बेस्ड फॉर्मुलेशन पसंद है तो इसको डाप को ही प्रेफरेंस दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लीन नहीं करते हैं, दोनों के दोनों बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, और दोनों के दोनों ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कॉस्ट के हिसाब से ये डाब थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हिमालय उस हिसाब से थोड़ा लेस प्राइस में मिल जाते हैं। अफोर्डेबल प्रोडक्ट की बात मैं करूँ तो हिमालय को प्रेफरेंस दे दीजिए। तो ये रही मेरी आज की बेबी डव हेयर टू टो बेबी वॉश वर्सेस हिमालय जेंटल बेबी बाथ का कंपैरिजन। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे वीडियो रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना।
तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।